हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि लब्धि, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, विस्तार से इसका वर्णन करूंगा। दोस्तों, सीटेट में जो है या इससे अदर एग्जाम जो होते हैं, सीटेट, यूपीटेट, अन्य टीचर्स एग्जाम, बुद्धि से 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि लब्धि, इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। आपके 4 से 5 नंबर यहां से क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो 4 से 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुद्धि, सबसे पहले हम बुद्धि के अर्थ की बात करें। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने की व उसको व्यवहार में लाने की योग्यता है, बुद्धि का वैज्ञानिक रूप। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए बुद्धि क्या है। बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने व उसको व्यवहार में लाने की योग्यता है। दोस्तों, बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारे अंदर जन्मजात होती है, बुद्धि हमारे अंदर मौजूद है। बुद्धि को जो है कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुद्धि जो है हमारे अंदर उपस्थित ही है। हमारे शरीर के अंदर बुद्धि जो है जन्मजात होती है। जब से हम जन्म लेते हैं, बुद्धि हमारे अंदर समाहित होती है और उस बुद्धि से, उस बुद्धि का प्रयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, इसे ही बुद्धि कहा जाता है। अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपने व्यवहार में लाना ही बुद्धि कहलाता है। दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। बुद्धि का वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन में दिया है। यहीं से आपका क्वेश्चन जो है बन रहा है। बुद्धि का वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम किसने दिया था? आपको आंसर में आएगा, आप आंसर लगा के आओगे, स्पीयरमैन। क्या लगा के आओगे? स्पीयरमैन। बुद्धि का वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन की पुस्तक का क्या नाम था और कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, और नाम था द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन में दिया गया था। इनकी जो पुस्तक थी उसमें बुद्धि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ज्ञान जो हमारे व्यवहार को बदल दे, हमारे व्यवहार में जो है अधिगम के साथ साथ अच्छे व्यवहार शामिल कर दे, उसे ही बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है, सबके अंदर उपस्थिति होती है, उसको केवल व्यवहार में लाने की जरूरत है। तो सबसे पहले बुद्धि का वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। कब? 1904 में अपनी पुस्तक, जब उनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? स्पीयरमैन की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है जो बुद्धि से रिलेटेड है? द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन। दोस्तों, इनकी जो पुस्तक है, अब आप इसका नाम कभी नहीं भूलोगे, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन। किसकी है? स्पीयरमैन की, जिसमें बुद्धि का विस्तार से वर्णन किया गया है। बुद्धि की परिभाषा की बात करें दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने, जिन्होंने जन्मजात, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है और मूल प्रवृत्तियां भी इन्होंने बताई हैं। मैकडूगल ने बुद्धि को जन्मजात माना है। बुद्धि जो है हमारे जन्म से हमारे अंदर समाहित होती है, केवल व्यवहार में यदि हम उसको ले आते हैं अपने नॉलेज के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, तो उसे ही बुद्धि कहते हैं। जैसे कि मैकडूगल ने कहा है, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। आज हम वर्तमान में हम अपने अतीत की बुद्धि
या हमारे अंदर जो बुद्धि है उसको हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या उसको अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने अंदर समाये हुए बुद्धि को जगाते हैं या अपनी बुद्धि से किसी नॉलेज को प्राप्त करते हैं जो हमें अतीत में मिली है अर्थात हमारे जन्म से मिली है, यही बुद्धि कहलाती है। ऐसा मैकडूगल का कहना है। दोस्तों, विद्यालय में बुद्धि परीक्षण के लाभ क्या है, विद्यालय में बुद्धि परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं दोस्तों? तो पहला लाभ है चुनाव हेतु बुद्धि लब्धि के आधार पर। दोस्तों, अध्यापक विद्यालय में बच्चों का चुनाव करता है, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है, कौन मानसिक रूप से पिछड़ा है, किस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, किसी को जो है किसी की बुद्धि लब्धि जो है श्रेष्ठ में है, कोई जड़ बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है। तो इस तरह से हम बच्चों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको अलग अलग वर्ग में रखते हैं। तो चुनाव हेतु विद्यालय में बहुत ही आसान होता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर हम बच्चों को उनको अलग अलग वर्ग में रखते हैं। दूसरा है बालकों का वर्गीकरण। अभी जैसे मैंने बताया, कोई श्रेष्ठ बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है, कोई प्रखर बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई जड़ बुद्धि का है, उनको अलग अलग रखने में बुद्धि जो है बहुत सहायता प्रदान करती है। तीसरा है मार्गदर्शन हेतु। दोस्तों, तीसरा है मार्गदर्शन हेतु बुद्धि का प्रयोग मार्गदर्शन के लिए भी किया जाता है। किस बच्चे को कौन सा मार्गदर्शन देना है, श्रेष्ठ बुद्धि का है उसको कौन सा मार्गदर्शन देना है, सामान्य बुद्धि का है उसको कौन सा मार्गदर्शन देना है। तो बुद्धि का जो है प्रयोग जो है विद्यालय में बड़ी ही तेजी से किया जाता है। इसका इसके जो परीक्षण है इसका बहुत ही सहयोग विद्यालय को प्रदान होता है, अध्यापक को, विद्यालय को, पाठ्यक्रम को। दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत की बात करें, बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। बुद्धि का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। दोस्तों, बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत है, पेपरों में पूछता है ये सिद्धांत किसका है या कई सारे सिद्धांत पूछ लेता है, ये पूछता है ये सिद्धांत किसका है। तो आपको जो है अब सिद्धांत बुद्धि के जो सिद्धांत है भूलना नहीं है, पेपर में जरूर सही करके आना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों, पहले सिद्धांत की बात करें, पहला है एक कारक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, किसका है, बिने टर्मन तथा स्टर्न का। जो एक कारक सिद्धांत दिया है किसने दिया है, बिने टर्मन तथा स्टर्न। पेपर में पूछ लेता है, चार नाम दे देगा, इन तीनों के नाम दे देगा, एक पूछेगा इनमें कौन नहीं है, तो आप उसका आंसर दोगे। आप अपने मन में बसा लीजिए, एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन तथा स्टर्न ने दिया है। आगे चल के इन्होंने बुद्धि लब्धि का जो है सूत्र दिया उसका भी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है द्वि कारक सिद्धांत स्पीयरमैन। दोस्तों, याद रखिएगा, द्वि कारक सिद्धांत स्पीयरमैन। तीसरा है बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक। अधिगम का आप सिद्धांत नहीं भूल सकते हो, थार्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। पांचवा है पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर। छठवां है त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। सातवां है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल। आठवां है बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर। नौवां है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। और लास्ट में है टेंथ नंबर पे त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग। तो इस तरह से हम सिद्धांतों को याद रखेंगे, ये सिद्धांत किनके हैं और ये बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। दोस्तों, यदि बुद्धि लब्धि की बात करें, बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मानसिक आयु ज्ञात करने का विचार प्रारंभ करने का श्रेय बिने का है।
दोस्तों बुद्धि लब्धि से यह पता चलता है कि बालक का जो विकास हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, किस गति से हो रहा है, सामान्य गति से हो रहा है या मंद बुद्धि मंद गति से हो रहा है या तेजी से हो रहा है, अर्थात श्रेष्ठ हो रहा है, प्रखर बुद्धि का हो रहा है या जड़ बुद्धि मंद बुद्धि से हो रहा है या तेज हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको नोट करने वाली बात है, मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, मानसिक आयु ज्ञात करने का विचार प्रारंभ करने का श्रेय विनय का है। अब याद रख लीजिएगा, आप जो है क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। क्या मानसिक आयु ज्ञात करने का विचार प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विनय को दिया जाता है। याद रखोगे आप जो है यहां पर कंफ्यूज नहीं होगे, बुद्धिलब्ध नहीं पूछ रहा है। मानसिक आयु ज्ञात करने का विचार प्रारंभ करने का श्रेय विनय का है। किसका है? विनय का है। टर्मन ने उसके विचार को स्वीकार कर परीक्षण किए तथा बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र दिया। अब यहां पर बात आती है मानसिक आयु का जो है विचार किसने दिया, मानसिक आयु का विचार किसने दिया? तो मानसिक आयु का विचार दिया था विनय ने और टर्मन ने। उनके मानसिक आयु का जो विचार था उसकी व्याख्या की, उसका एक्सप्लेन किया, उसका परीक्षण किया और फिर बुद्ध लब्ध निकालने का सूत्र दिया। किसने? टर्मन ने। बच्चों दोस्तों फ्रेंड्स आप जो है अब कंफ्यूज नहीं होंगे, मानसिक आयु ज्ञात करने का प्रारंभ किसने किया था? विनय ने किया था। और बच्चे यहीं पर धोखा खा जाते हैं, यहीं पर क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या लगा देते हैं। अब आप नहीं भूलोगे मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? विनय ने दिया था। बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। दोस्तों याद रखोगे और सूत्र क्या था बुद्धि लब्ध निकालने का? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। अब यहां पर उदाहरण के माध्यम से बुद्धिलब्ध कैसे निकाली जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता हूं बुद्धिलब्ध कैसे निकालना है। एक बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? दोस्तों फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, अर्थात IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। दोस्तों सॉल्व करेंगे, अब यहां पर देखना है दोस्तों मानसिक आयु कितनी है? 20। सॉल्व करेंगे यहां पर कितनी है? 20। और अब निकालना है शारीरिक आयु कितनी है? ये यहां पर दी हुई है 16। मानसिक आयु कितनी थी? मानसिक आयु 20 थी और वास्तविक आयु कितनी है? 16 है, अर्थात मानसिक आयु 20 और वास्तविक आयु 16। तो मानसिक आयु कितनी है? 20 और शारीरिक आयु 16, गुणा करना है 100 से, 20/16 इंटू 100। अब इसे क्या करेंगे? काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2 2 0 0, 2 4 8, 2 5 10, 4 1 4, 4 2 8, 2 इधर आ जाएगा, 4 5 20, 25 में 5 का इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, अर्थात उस बालक की जो है IQ निकल के आई 125, उसकी जो बुद्धिलब्ध निकल के आई 125। तो दोस्तों इस तरह से हमने बुद्धिलब्धि को सीखा। दोस्तों इस वीडियो में आगे अगर बुद्धि परीक्षाओं की बात करें, बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा। दोस्तों ध्यान रखना, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा जिसमें केवल एक व्यक्ति का ही परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, पेपरों में आता है बुद्धि परीक्षाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा, किसके लिए होता है? केवल एक व्यक्ति के लिए होता है। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षा,
सामूहिक बुद्धि परीक्षा जिसमें एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जाता है, एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जाता है तो सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहलाता है। दोस्तों बुद्धि लब्धि वितरण की बात करें तो मैंने यहां पर दो मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, पहला है वैसलर के अनुसार, दूसरा है मैरिल के अनुसार। वैसलर के अनुसार, मैरिल के अनुसार, वैसलर के अनुसार, मैरिल के अनुसार इन्होंने बुद्धि लब्धि को किस तरह बांटा है, हम जो है बच्चे को कैसे जान सकते हैं, कौन सा बच्चा किस श्रेणी में है या उसका जो बुद्धि लब्धि है वो किस वर्ग में है। तो जिसकी आईक्यू या बुद्धि लब्धि 130 या उससे अधिक होगी तो वैसलर ने उसको प्रतिभाशाली बालक कहा है या अतिश्रेष्ठ प्रतिभाशाली। इसी तरह मैरिल ने 140 से अधिक बालकों को अतिश्रेष्ठ या प्रतिभाशाली कहा है। 120 से 129 यानी श्रेष्ठ बुद्धि, मैरिल का 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि, जिसका बुद्धि लब्ध 110 119 के बीच में है वो उच्च सामान्य बुद्धि। इसी तरह मैरिल ने 110 119 को उच्च सामान्य बुद्धि माना, अर्थात यहाँ पर सेम है 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि में, 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि में। इसी तरह सेम है दोनों का, वैसलर और मैरिल का नीचे ऊपर जो है अलग अलग है, नीचे सेम है। 80 से 89 बुद्धि लब्ध वालों को वैसलर ने मंद बुद्धि का बालक माना है, मैरिल ने 80 से 90 वाले बुद्धि लब्ध बालकों को मंद बुद्धि बालक माना है। इसी तरह 70 से 79 छेड़ बुद्धि, 70 से 79 छेड़ बुद्धि, 70 से नीचे निश्चित छेड़ बुद्धि, जो बहुत कमजोर बालक होते हैं 70 से नीचे निश्चित छेड़ बुद्धि, अर्थात वैसलर और मैरिल का जो ये ग्राफ है, जो ये चार्ट है मैंने आपको समझाया। और इस वीडियो के यदि लास्ट में बात करें तो बुद्धि के प्रकारों की बात कर लेते हैं, जो गैरिट के अनुसार, किसके अनुसार, गैरिट के अनुसार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बुद्धि के प्रकार, मूर्त बुद्धि पहली जो है गैरिट के अनुसार, पहली बुद्धि है मूर्त बुद्धि, अर्थात इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। जो बच्चे टेक्नोलॉजी में या यांत्रिकों में ज्यादा ध्यान देते हैं और उस क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनके अंदर क्या ज्यादा होता है, मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो पुस्तकीय ज्ञान में ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे अध्यापक हो गए या वकील हो गए या इस तरह से श्रेणी में आते हैं, उन्हें अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है, इसे पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, जो एक व्यक्ति जो होता है वो समाज में अपना संबंध स्थापित करता है, अपने बुद्धि को समाज में फैलाता है, उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बुद्धि का विस्तार से वर्णन किया, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि लब्धि वैसलर और मैरिल के अनुसार मैंने उसका जो है वर्गीकरण भी किया। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सीटेट में 5 से 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। दोस्तों यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें आपको वीडियो कैसा लगा। आप मेरी सारी वीडियो देखिए, आपको इस बार सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू।